राग अनुभूति की चीज है, अनुभव की चीज है। ऐसा नहीं है कि यह रटने की विद्या है, ये एक मंत्र है, मंत्र को सिद्ध करना होगा। जब शाम का समय है यमन गाओगे तो दिया अपने आप जलना चाहिए, अग्नि देवता प्रकट होने चाहिए, इस तरह का मंत्र है राग यमन के स्वरों में। जब आप राग यमन के स्वरों को लगाएंगे शाम होते ही तो अग्नि देवता को प्रकट होना ही है, अगर बढ़िया स्वर लगाएंगे तो, तल्लीनता के साथ गाएंगे तो, तानसेन वाली स्थिति कर देंगे तो, गायकी में इतना गहरा उतर जाए तो। इसके ये प्रभाव है, दिया जलेगा, दिया जलने से रोशनी होगी, रोशनी होने से आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आपका जीवन सुंदर बनेगा। और जैसे जैसे 3 घंटे इसको चाहिए। पंडित अवध किशोर पांडे, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ SPW, उनके द्वारा लिया गया एक नया इनिशिएटिव संगीत धारा SPW ऐप। अभी उठाइए मोबाइल और डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों में अवेलेबल है। अब तीसरा कल्याण थाट है। कल्याण थाट मतलब तीव्र मध्यम, मां तीव्र लगता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हुआ करते हैं उसमें। ये राग अपने थाट से ही, के नाम से ही जानी जाती थी। कल्याण थाट का राग आप देखिए, दसों थाट जो है, दसों थाटों के नाम के आधार पर ही एक एक राग का जन्म हुआ, एक एक राग का नाम लिया गया। बिलावल, भैरवी, कल्याण, भैरव, काफी, खमाज, आसावरी, पूर्वी, तोड़ी, ये जो हमारे 10 थाट हैं प्रारंभिक, इन 10 थाटों के नाम से एक एक राग का निर्माण होता है, उसको हम आश्रय राग कहते हैं। तो ये राग अपने ही थाट पर आश्रित, यानी कि कल्याण थाट, कल्याण नाम है इस राग का असली। जैसे कि बिलावल थाट पर आश्रित राग, तो उसका नाम है बिलावल है? भैरवी थाट पर आश्रित जो राग है उसका नाम भी भैरवी है। तो फिर ये कल्याण थाट पर आश्रित राग, इसका नाम यमन क्यों? इस राग को भी कल्याण कहा जाना चाहिए। तो इसके पीछे कुछ एक थोड़ी सी बातें हैं जो मैं हिस्ट्री की बात आपको बताने की कोशिश करूंगा कि संगीत जब यहाँ धरती पर आया, पहले तो ये ऋषियों मुनियों की देन, हम लोग तो सीधा ये जानते हैं, वेदों से इसका जन्म हुआ है, हम इतना समझते हैं। लेकिन ये दिव्य है, हर किसी देवी देवता के हाथ में आप देखेंगे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो इसलिए दिव्य है। भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर बांसुरी बजाई, संगीत का ही स्वरूप है वो। शिव का डमरू, तांडव, माँ सरस्वती की वीणा, नारद जी की वीणा, नारायण नारायण, सबने सुना होगा ये सब शास्त्रों में। शास्त्रों की बातों में अगर हम देखें तो संगीत का बहुत बड़ा जिक्र आता है, जिसमें किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं, नृत्य, नाच, गान होना, देवताओं के यहाँ हर चीज के प्रारंभ संगीत से होता था। तो वही परंपरा चली आई और वेदों के माध्यम से हमारे ऋषियों मुनियों को ये संगीत प्राप्त हुआ। और जब ऋषियों मुनियों को प्राप्त हुआ तो उस समय ऋषियों मुनियों से राजाओं महाराजाओं की बड़ी कंपटीशन हुआ करती थी। राजा महाराजा जो यहाँ के हुआ करते थे हमारे इस धरती पर, वो ऋषियों को बहुत जेलस तरीके से देखते थे। और ऋषि लोग ये कहते थे कि हम आध्यात्म के राजा हैं और ये उस प्रजा के राजा हुआ करते थे, तो ये सब पर अपना अधिकार जमाते थे। आज भी हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, राजनीति में जो भी पार्टी आती है, जो भी सत्ताधारी दल होता है, वो अपनी विचारधारा के अनुसार हमारी जगहों के नाम बदल दिए जाते हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज कह दिया, फैजाबाद को अयोध्याबाद बना दिया, अयोध्या कह दिया। अब अयोध्या से पहले वो फैजाबाद था या फैजाबाद से पहले अयोध्या थी, ये एक सवाल बना रहता है जो चला आ रहा है, आए दिन परिवर्तन हो रहा है। तो जब ये संगीत ऋषियों मुनियों के पास देखा गया तो
तो राजाओं को बड़ी जलन हुई और राजाओं ने इस संगीत के ऊपर अपना अधिकार जमाया और कहा कि ये हमारे दरबारों में की शोभा बनने के लायक ही वस्तु है जो तुम ये मंदिरों में इसको वक्त जाया करते हो। तो उस समय मुगल शासक हुआ करते थे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुगल शासकों ने संगीत को, संगीत के ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने इसका नाम बदल करके कई जगहों के नाम, कई विषयों के नाम बदल दिए। राग का नाम कल्याण, उनको लगा ये तो हिंदुओं का शब्द है तो ईमन कहने लग गए, यमन कहने लग गए, ईमन या यमन इस तरह से इसका उच्चारण उन्होंने उर्दू में, इसको फारसी में करना शुरू किया। इसलिए तब से ज़्यादातर इसका नाम यमन ही प्रचलन में आ गया। और चूंकि ये हर किसी ने पहली बार इस राग के दर्शन किए, आज भी क्लासेस में सबसे पहले राग यमन ही सिखाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर राग हो गया, इतना ज़्यादा पॉपुलर कि क्लास की शुरुआत में पहला लेसन हर जगह राग यमन का ही होता है। और आप सभी उस राग यमन के ख्याल, राग यमन की गायकी और राग यमन का जो चलन है उस सबसे वाकिफ हैं। हम यहाँ बात करेंगे, हम यमन का पूरा परिचय अभी चैट बॉक्स में दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक एक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। और अपना टॉपिक है कि राग से ख्याल तक, राग यमन, राग से लेकर के अगर हम उसका अध्ययन करना शुरू करें, हमने कहा था कि राग को गाने से पहले उसको बहुत अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, उसका चिंतन कर लेना चाहिए। अब चिंतन करने का क्या विषय है इसमें, राग की शास्त्रगत कुछ बातें होती हैं वो हमें जान लेने की जरूरत है। तो जैसा कि हमने पिछले दो लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि छोटे छोटे शब्दों से ख्याल उत्पन्न होते हैं, हम लोगों ने ख्याल गायकी सुनी, आप सब लोगों को ख्याल सिखाया जाता है, राग यमन का ख्याल लगभग सब जगह प्रचलित है, एरी आली पिया बिन, रतियां कटत मोरे तारे गिन गिन, सब ने सीखा होगा, सदाशिव भज मना, ये सारे ख्याल आप लोगों को सिखाए जाते रहे हैं और इनके बारे में आप जानते हो। तो हम अगर राग का परिचय जाने पहले तो हम उसके उसके वर्चस्व पर हम बातचीत कर सकते हैं और उसके आगे जो ख्याल आने वाले होते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो ख्याल, वही तो है ख्याल गायकी। ख्याल गायकी हमको एक कंपोनेंट की तरह लगता है कि किसी ने दे दिया है तो ये हमें ख्याल गाना है, किसी का लिखा हुआ आया लिरिक्स उसका ख्याल है आप गा रहे हैं। जबकि संगीत सीखने का उद्देश्य है या शास्त्रीय संगीत को जान लेने का उद्देश्य यही है कि आपको ख्याल पैदा होने चाहिए, आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए। तो ख्याल मतलब कोई अलग से ऐसा नहीं है शब्द जो बहुत भारी भरकम शब्द हो, जरूरी नहीं है कि जो किताबों में ख्याल लिखे हैं वही ख्याल होते हैं, ख्याल मतलब विचार होता है और आपके दिमाग से विचार निकलेंगे। ख्याल गायकी को एक टाइटल दिया गया है कि ये छोटा ख्याल ये बड़ा ख्याल, हम लोग उसमें उलझे हुए, छोटा ख्याल क्या है बड़ा ख्याल क्या है, हम ख्यालों की बात करते रहते हैं और गाते रहते हैं लेकिन असल में ये नहीं जानना चाहते हैं कि ख्याल आया कहाँ से। ये एक थॉट था, ख्याल मतलब थॉट है, एक विचार है। अब वो विचार कैसे पैदा होता है, जब हम राग के बारे में जानकारी करना शुरू करते हैं तो वो विचार पैदा होने लग जाता है। तो राग के बारे में हम जानना शुरू करते हैं, एक बार चैट बॉक्स में दिखाइए जो दोहा इसका लिखा है, आप सब लोग उसको देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। प्रथम प्रहर निश गाइए गनी को कर संवाद, जाति संपूर्ण तीव्र मध्यम यमन आश्रय राग है ये। इस दोहे को कंपोज करो अभी यमन
के स्वरों में। प्रथम प्रहर निश गाइए, प्रथम प्रहर निश गाइए, तो ये प्रथम प्रहर निश गाइए और ग नी को कर संवाद। प्रथम प्रहर निश मतलब रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि जहां से शुरू होती है यानी शाम का समय है। इस राग को संधि प्रकाश राग की श्रेणी में रखा जा सकता है कि जब सूर्य अस्त हो रहा होता है यानी कि प्रकाश जा रहा होता है और अंधकार आ रहा होता है उस समय इस राग को गाया बजाया जाता है। तो प्रथम प्रहर निशि रात्रि के प्रथम प्रहर में गाना और गा नी को कर संवाद, जिसमें ग को संवादी और नी को वादी स्वर माना जाएगा। ग वादी है और नी संवादी स्वर है। अब वादी और संवादी क्या है यह भी समझने की जरूरत है। वादी का मतलब होता है जो वाद विवाद यानी कि वार्तालाप करने वाला वक्ता, और समवादी मतलब वक्ता का साथ देने वाला, उसकी भाषा को ट्रांसलेट करने वाला सहवक्ता, जैसे कि अभी हम यहाँ दो जने बैठे, ये वादी संवादी है। मैं आपसे वाद विवाद कर रहा हूँ, वाद शब्द का मतलब ही बोलने से है, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ और बोलते बोलते ये संवादी स्वर है जो मेरे साथ बैठे हैं मास्टर के साथ, और ये आपका सहयोग कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो मुख्य वक्ता तो मैं हुआ यानी कि वादी स्वर मैं हुआ, जो प्रमुख स्वर इस राग का है वो है वादी स्वर गंधार यानी कि ग। तो ग से वाद विवाद प्रारंभ होगा, वहां पे बातचीत होगी, ऐसा लगेगा कि राग बोलती है, और संवादी से संवाद प्रारंभ होगा यानी कि हमारी कही हुई बात को ये आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो संवादी स्वर लाइक दैट, राजा और मंत्री, राजा जो है वो जो राष्ट्रपति आदेश देते हैं उनको प्रधानमंत्री जी आगे फॉलो करवाते हैं। तो ठीक इसी तरह से कुछ परिभाषा इनकी समझे कि जिस राग का प्रमुखता से प्रयोग हो, जिस स्वर का प्रमुखता से प्रयोग हो रहा हो राग में वो है गंधार यानी ग, और प्रमुखता से थोड़ा कम लेकिन दूसरों स्वरों से ज्यादा जो दूसरे स्वर हैं उनसे ज्यादा उस राग में उस स्वर का प्रयोग होगा तो वो वाला स्वर है इसमें नी। तो इसका चलन संवाद कहां से शुरू होता है, नी रे ग, नी से ही शुरू होता है। पामरे ग रे नी रे सा, निषाद से ही शुरुआत है राग यमन की। शुरुआत जब हम आरोह करते हैं, करके दिखाई आरोह, नीरे गामा पाधा निशा होना चाहिए। गामा पाधा निशा सारे दा
देखिए प्रथम प्रहर निशगाई है, रात्रि के प्रथम पहर इसका गायन वादन समय है। ग और नी वादी संवादी स्वर हैं। तो देखिए अगर हम वादी स्वर को देखें थोड़ा सा, सबसे पहला तो पॉइंट यहीं से निकल के आता है कि रात्रि के प्रथम प्रहर में कौन कौन से काम हुआ करते हैं, उन कामों से रिलेटेड ख्याल आएगा। गानी को कर संवाद। अब वादी और संवादी में भी आपको जानने की जरूरत है कि अगर वादी स्वर सप्तक के प्रारंभ में आता है सारे ग म, तो उस राग को पूर्वांग वादी कहा जाता है कि ये पूर्व अंग वादी राग है, यानी कि ज्यादातर इसका चलन प के नीचे अच्छे से दिखाने में आएगा। अब चूंकि संवादी इसका निषाद है तो उत्तरांग में भी इस राग का चलन है लेकिन पूर्वांग से थोड़ा कम। पूर्वांग वादी राग है जिसका राग जिसका स्वर वादी स्वर पूर्व अंग में हो, यानी पहले वाले अंग में हो, पंचम से पहले हो, तो वो राग नीचे नीचे ही ज्यादातर गाई जाती है, तो उसकी प्रकृति ऑटोमेटिक गंभीर हो जाती है। तो जब जो राग नीरे ग और म पर रहने सा नीचे से किया जाएगा वो गंभीर प्रकृति का राग होगा, और जो ऊपर के स्वरों में गाया जाता है ज्यादातर वो राग चंचल प्रकृति के होते हैं। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि जब आप वादी और संवादी को समझ जाते हैं तो राग का चलन और ऋतु का पता चलता है। अगर वो नीचे के गंभीर प्रकृति के स्वर ज्यादा लगाते हैं तो हमारे अंदर से ऊष्मा यानी गर्मी कम होती है शरीर में, और अगर हम ऊपर के स्वर ज्यादा लगाते हैं तो तीव्रता आती है। अब इस राग में चूंकि तीव्र स्वर भी है, तीव्र मध्यम है, और ऊपर से संवादी स्वर भी ऊपर वाला है, तो ये राग दोनों तरह से चलेगी। तीव्रता कम आएगी अगर हम ऊपर जाएंगे तो, और नीचे जाएंगे तो तीव्रता कम आएगी क्योंकि उसमें तीव्र मध्यम नहीं प्रयोग जब होगा जब नीरे ग और गंधार की संगति ही इतनी सुंदर हो जाती है क्योंकि वो वादी स्वर है। तो हमारे अंदर से बड़े अच्छे अच्छे ख्याल फिर उत्पन्न होने चाहिए। दूसरी लाइन थी दोहे की, जाति इसकी संपूर्ण है, यानी कि सातों स्वर इसमें लगते हैं आते समय और जाते समय, तो ये संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है और इस आश्रय राग है। ये यमन आश्रय राग, ये जो दोहे के बारे में मैंने समझाया, इस दोहे से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। आपके मन में ख्याल उठने चाहिए रात्रि का प्रथम प्रहर गंभीर प्रकृति, गंभीर वाले जो गाने हैं गंभीर प्रवृत्ति के गाने हैं, शाम के समय के जो गाने हैं आरतियां हैं शाम के समय में। अब देखो वो गाना गाया था जब दीप जले आना, शाम के ही शब्द हैं, शाम का वक्त है, सुनाओ। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। अब ये कोई ख्याल नहीं है, ये कोई ख्याल गायकी नहीं है, ये फिल्म का गाना है, तो यही ख्याल है, ख्याल कुछ और नहीं है। आप लोग अगर ये समझते हो कि ख्याल बहुत बड़ा मुश्किल काम है, आपके मन में क्या विचार उठते हैं राग की प्रकृति को देखते हुए, उन विचारों को अगर आप शब्द दे दें, तुकबंदी बनाना आपको आता है तो आप ख्याल के राइटर हो गए। तो इस राग का जो पूरा परिचय है, जैसे कि मैंने कहा कि प्रकृति इसकी गंभीर है और ये राग तीनों सप्तकों में बराबर बजाया जाता है, ऐसा नहीं है कि इसका अगर वादी इधर नीचे हो गया तो नीचे ही चलेगा राग, लेकिन वादी संवादी दोनों ही अगर नीचे होते तो नीचे चलता, वादी संवादी दोनों ही ऊपर होते तो ऐसा ऊपर होता, वादी स्वर जिधर होता ना राग उधर ज़्यादा झुकती है, राग को उसी मूड में ज़्यादातर गाया बजाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि कल्याण थाट से इसकी उत्पत्ति हुई और राग इस राग का नाम भी कल्याण ही है, लेकिन मुगल शासन काल के दौरान मुसलमानों ने इस राग का नाम यमन और राग ईमन कहना शुरू कर दिया।
जबकि नाम था, देखिए बिलावल पहला थाट नहीं बदला, क्यों नहीं बदला, क्योंकि वो ऑलरेडी बिलावल उर्दू का शब्द है, बिलावल का मतलब हैप्पीनेस इन उर्दू, तो नहीं बदला, है ना। भैरव भैरवी को नहीं बदल पाए क्योंकि ये महाकाल थे, तो इन पे हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ एक दो थाटों को उन्होंने अपने अनुसार राग यमन के बारे में बदलाव कर दिया क्योंकि ये पहला राग था। तो इससे सब बातों से क्लियर है कि आप कहाँ कहाँ से इसमें से बातें ढूंढ सकते हैं। परिचय तो पूरा आपके सामने क्लियर है और परिचय से ये पता चलता है कि हमें किस तरह के गीत, जैसे मैंने पिछली बार एक क्लास में थोड़ा सा उदाहरण दिया था कि शाम के समय में श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार रस के गीत भी राग यमन में होंगे। एरी आली पिया बिन और भी आप फिल्मी गाने उठा के देख लीजिए, श्रृंगार रस के बहुत सारे गाने, वो जो ख्याल है एरी आली पिया बिन उसकी लाइन सुनाते हैं। अब ये ख्याल किसी के मन में आया, श्रृंगार है। यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि पिया के बिना आगे जो रात आने वाली है, शाम का वक्त है, शाम के समय कह रही है कि अब जो रात आने वाली है मेरे पिया मेरे पास नहीं है, तो पूरी रात जो है तारे गिन गिन के कटेगी, और वो जब से गए तब से सुध नहीं ली उन्होंने, जब से पिया परदेश गमन कीनो, रतियां कटत मोरी तारे गिन गिन, ये क्या भाव है। शाम होते ही पिया की याद आती है, श्रृंगार है, और श्रृंगार देखिए जैसे दीप जले आना मिलन का इशारा है। शाम को ही अक्सर मिलते हैं प्रेमी जोड़े, शाम होती है तो आजकल तो फोन होने लग गए, पहले भी उन्होंने इशारे किए थे, कौन सा गाना जो भी बताया था, जब दीप जले आना, इशारे में बता दिया, संकेत मिलन का भूल न जाना, भूल न जाना मेरा प्यार ना। संयोग और वियोग दोनों प्रकार के रस, दोनों प्रकार के श्रृंगार इस राग में जमते हैं। एक नायक और नायिका के मिलन वाले जो गीत हैं वो भी इस राग में बहुत सुंदर लगेंगे, ऐसे ख्याल आपके दिमाग में उठने चाहिए जब इस राग के स्वर लगते हैं। अब ये श्रृंगार देखिए, मिलन का श्रृंगार, चंदन सा वदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाए अगर दिल दीवाना। श्रृंगार है, तारीफ की जा रही महबूबा की, तो शाम के वक्त में पूजा भी हो सकती है, प्रेम भी हो सकता है, प्रेम ही पूजा है, पूजा ही प्रेम है, इतने प्रकार के ख्यालात इसमें जन्म लेते हैं। जब राग का हम परिचय जानते हैं और इसका मंत्र सप्तक से, जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत होती है, तो गंभीर गंभीर विषयों पर गीत लिखे जा सकते हैं। आरोह में ज्यादातर लोग पंचम को छोड़ देते हैं, नीरे गामा सीधे धापे धनी सा, और अबरोह में पंचम बखूबी से लगाते हैं। इसमें बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद धमार, तराना, सितार में बजने वाली गतें,
मसीद खानी, रजा खानी, ये सब चीज़ें इसमें बनती हैं। तो मेरा जो राग से ख्याल तक, यानी कि राग का ख्याल आप करें तो पता चलेगा ना कि राग में क्या क्या वर्णन है। बहुत सारी बातों को गंभीरता से जानने की, समझने की ज़रूरत है, उसके बाद आप उसकी लिरिक्स राइटिंग कर सकते हैं। तो लिरिक्स राइटर बनने के लिए शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। राग से कंपोजिशन निकलती है, राग से ही लिरिक्स भी निकल रहे हैं। लिरिक्स के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि आप पहले लिरिक्स लिखें या किसी के लिखे हुए लिरिक्स आप लें और उन लिरिक्स के भावों को आप समझें और अंदाज लगाएं कि ये किस राग में फिट बैठेगा। एक तो ये तरीका है, लिरिक्स को पढ़ें। जैसे कि अभी हमने कहा यहाँ पे प्रथम प्रहर निश गाई है मास्टर निषाद को, अभी मैंने कहा कि इसकी कंपोजिशन करके गा के सुना दो, तो कोई बहुत पहले से तैयारी नहीं थी इसकी कि ये इसको गा के सुना देंगे। इनको पता है कि यमन का है और राग प्रथम प्रहर निश गाई है, रात की राग की, तो फिर यमन में ही कंपोज होगा। यमन आश्रय राग इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कल्याण थाट पर आश्रित राग का नाम कल्याण था। मैं बार बार इस संवाद को कहूँगा। और जब भारतीय संस्कृति का जो अभिन्न अंग है संगीत, हमारा जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसके ऊपर भी आक्रमण हुआ है। मुगल शासकों ने इस पर आक्रमण करके बहुत सारे इसमें बदलाव कर दिए। तो यमन के कुछ गीत हैं, आप ढूंढ के इनको शेयर करिए। कुछ फिल्मी गीत हैं यमन राग पर आधारित, जो अभी मैं YouTube से इस पे नेट पे सर्च करके आप लोगों तक उसका लिंक भेज रहा हूँ। यमन कल्याण बेस्ड बहुत सारे गाने बने हुए हैं और राग यमन इतना पॉपुलर राग हो गया है कि इस राग को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम यमन गा रहे हैं। जगजीत सिंह साहब की बहुत सारी शुरुआती चीज़ें जो हैं वो राग यमन पर बेस्ड हैं, बहुत सारी गज़लें राग यमन पर बेस्ड हैं, बहुत सारे फिल्मी गीत, यानी कि इस राग का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रयोग हो चुका है। संगीत राग यमन के नाम से ही जाना जाता है। अगर हम कोई कहे कि क्लासिकल सीख रहे हैं तो राग यमन सीखा कि नहीं, ये सबसे पहले पहला सवाल उठता है राग यमन। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, कौन कौन से फिल्मी गाने हैं जो राग यमन पर बेस्ड हैं, आपको बहुत आसानी से पहचान में आ जाएंगे। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत है फिल्म अनुरोध का, ऊपर बढ़ाओ। और उसके बाद आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, यमन के स्वर हैं। देखिए श्रृंगार पक्ष है, मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यमन में दोनों ही प्रकार के श्रृंगार और भक्ति और करुणा का रस अगर आपके साथ हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो आप राग यमन की कॉम्पोजिशंस और राग यमन के जो बंदिश होनी चाहिए वो है। नेक्स्ट सॉन्ग है अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, यमन बेस्ड सॉन्ग है। लेकिन नाम देखिए इसमें भी कल्याण लिखा है। अभी न जाओ छोड़कर फिल्म का नाम लिखा है हम दोनों, ईयर 1961। राग का नाम लिखा है स्पष्ट रूप से कल्याण, यमन नहीं लिखा है। अंग अंग रंग छलकाए संकल्प 1974 की फिल्म है। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, आंसू समझ के क्या मुझे, ये गाने आप चेक कर सकते हैं। बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, बहुत फेमस गाना था। हो राम जी बड़ा दुख दीना, बड़े भोले हो अगला गाना है अर्धांगिनी
फिल्म से, 1959 की पिक्चर है। भूली हुई यादों मुकेश का गाना है, मदन मोहन का संगीत है। चंदन सा बदन चंचल चितवन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, ये बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, बहुत सारे गीत हैं जो आप अगर नेट पे गूगल पे सर्च करें, ओनली टाइटल आपको डालना है राग यमन बेस्ड सॉन्ग्स, और वो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलन में और बहुत ज़्यादा प्रचलन का ये राग है। तो मैंने मेरी तरफ से बहुत कुछ आपको यमन का पूरा ऑपरेशन करके रखा है, आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी आपको कोई आपके मन में सवाल होता है तो आप पूछ सकते हैं। गुरुजी चरण स्पर्श। जय हो गुरुजी। मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और आपको बहुत लंबे समय से मैं देखता आ रहा हूँ। मैं आपका बहुत आशीर्वाद चाहता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा आशीर्वाद दे। बिल्कुल, पूरा पूरा आशीर्वाद। मैं दो पंक्तियाँ गा सकता हूँ, थोड़ा सा स्वरूप दिखा सकता हूँ? हाँ जरूर। वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सब लोग क्लैप कर सकते हैं इनके लिए, अपना कैमरा ऑन करके ही क्लैप कर लें, अगर माइक ऑन करेंगे सब लोग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत अच्छा इन्होंने सुर लगाए, और आशीर्वाद पूरा आपके साथ है। आप काफ़ी समय से जैसा कि आपने कहा फॉलो कर रहे हैं, करते रहिए। हमारे जो फंडे हैं, जिस तरह से हम एक स्टेप बाई स्टेप एजुकेशन म्यूजिक की आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अब ये सीरीज़ का जो निर्माण हम कर रहे हैं अभी जो हो रहा है ऐप पर, इसका पूरा खजाना बनने जा रहा है। यहाँ से हमने शुरुआत की थी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी और राग से ख्याल तक। राग से किस तरह के ख्याल पैदा होते हैं, हम इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम अब तक जो सबसे पहले हम लेंगे प्रारंभिक 10 थाट, जो शुरुआत के 10 थाट हैं, उसी उन्हीं थाटों में से रागों ने जन्म लिया है। तो पहला, जैसा कि मैंने कहा कि आश्रय राग होंगे सभी, 10 थाट हैं तो 10 थाटों को नाम से एक एक राग का नाम बनता है, हम उन पर चर्चा करेंगे सबसे पहले। फिर दूसरी सीरीज इसी के साथ शुरू होगी, फिर से बिलावल थाट पर हम आएंगे, बिलावल थाट से लेके तोड़ी थाट से उत्पन्न होने वाली एक एक राग और फिर हम लेंगे, फिर इन्हीं 10 थाटों से उत्पन्न होने वाली तीसरी राग है उसको भी हम लेंगे, फिर इसी तरह से इन्हीं 10 थाटों पर एक एक राग और। तो जिस थाट पर जितने रागें बनती हैं, जिस थाट से जितने रागों का जन्म होता है, हम वो सारी रागों पर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, और आप जुड़े रहना इसी तरह से लाइव FR के साथ। फ्रंट रो में हैं आप, यानी कि सबसे आगे वाली लाइन में, फ्रंट रो का मतलब आगे वाली लाइन, तो आप सभी आगे की लाइन में हैं और आगे की लाइन में रहें और रहेंगे, ऐसा हमारी तरफ से सबको आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। और कौन पूछना चाहते हैं कुछ? रेज हैंड है मोहम्मद नूर अहमद का, ये आक्रमण करेंगे लगता है। मोहम्मद नूर अहमद, नमस्ते सर जी। नमस्ते, सुन पा रहे हैं सर जी? सर मैं काफी दिनों से रात का एक लेसन ढूंढ रहा था काउंटर में, आज भी मेरा आशा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बुरा हो रहा है जी, मेरे को लग रहा है काउंटर ज्वाइन करके मैं बुरा नहीं किया। बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा। पहले मैं पूरे निराश था, मैं काफी कोर्स लोग को पूछा रात का क्लास, तो उन्होंने बोला रात में इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। सर आपको, सर आप अभी रेगुलर सर? हाँ, मेरे यहाँ फ्रंट रो पे रेगुलर क्लास भी होती है, तो आप जैसे उस सेशन में ज्वाइन करना चाहें तो आप फ्रंट रो से बात कर सकते हैं, तो आपको हमारी फ्राइडे
सैटरडे और संडे दो दिन तीन तीन बार क्लास होती है फिलहाल दिन में, सुबह दोपहर और शाम। और ये फ्राइडे केवल यहाँ रागों का वर्णन करने के लिए मैं बैठूँगा, और उधर पूरा शुरू से सिखाने के लिए जो हमारा एक चलता है अपना एक सिलेबस है, उस सिलेबस से आप जुड़ सकते हैं प्रॉपर। यहाँ सीधा सीधा संवाद होता है, यहाँ एक तरह से लेक्चर क्लास है। ये एक मुझे टॉपिक हमने खुद चुन लिया, तय किया कि हम अब आज इस राग के बारे में बताएंगे, अब कि नेक्स्ट फ्राइडे को आएंगे तो किसी दूसरे राग के विषय में चर्चा करेंगे, और कौन सी राग होगी उसका सीरियल नंबर भी बता दें। सबसे पहले हमने लिया वो थाट जिसके सारे स्वर शुद्ध हैं, दूसरे नंबर पे हमने वो थाट लिया जिसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं चारों भैरवी, तीसरा थाट हमने लिया जिसमें एक तीव्र स्वर लगता है। तो स्वरों के तीनों प्रकार आज हम क्लियर कर चुके हैं, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। इसके बाद हम दो कोमल स्वर लेंगे, राग भैरव, जो बहुत ही महत्वपूर्ण राग है, प्रातः काल का राग है। ये राग यमन रात्रि का प्रथम प्रहर है, तो भैरव रात्रि का अंतिम प्रहर है, यानी यमन से लेके भैरव तक। हमने आज शाम सायकालीन संधि प्रकाश राग की चर्चा की है, संधि प्रकाश मतलब जहाँ सुबह और शाम दोनों एक साथ मिलते हो, उस समय का राग है ये यमन। और उस समय कौन कौन से काम किस किस तरह से किए जा सकते हैं, वो कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, क्या क्या घरों में कार्यक्रम होते हैं, कौन कौन से त्यौहार शाम के समय में, दिवाली गीत, दिए का गीत, हमेशा राग यमन में होना चाहिए। दीप जलाने पर ही राग का शुभारंभ होता है, तो उसका समय ही वही है, आरती करो, दीपक जलाओ और राग यमन लेके बैठ जाइए। फिर उसके बाद श्रृंगार रस प्रारंभ होता है। उसका आरोह अवरोह पकड़ सब कुछ दिया हुआ है, अभी हमने सुनाया भी था, एक बार आलापचारी और थोड़ी सी करके दिखा दीजिए मास्टर ने सर। आरोह अवरोह एक डाउट है जी। श्री शाह ओके नमस्ते सर। जी नमस्ते जी। ये यमन राग लिखने में हम संपूर्ण स्वर लिखते हैं, सारी गमा पधा नी, लेकिन गाते वक्त आरोह अवरोह वो नी रे से शुरू होता है, बस वही कन्फ्यूजन था तो, कि इसे नी से शुरू करना चाहिए या सा नी से शुरू करना। कायदे में तो इस राग का जो चलन है शुरुआत में नी से ही, कुछ किताबों में सा से भी है, सारेगा हाँ उसमें सारेगा किसी किताब का प्रिंट था वो, लेकिन नियम ये बनता है कि इसका वादी स्वर अगर संवादी स्वर अगर निषाद है तो नी से ही संवाद प्रारंभ होगा, नी रे गा, और ऐसे में पंचम वर्जित किया जाता है। जब हम इसको नी से शुरू करेंगे, कुछ विद्वान इसको नी से शुरू होने वाला राग मानते हैं, निषाद से ही इसका संवाद होगा, तो जो निषाद से संवाद करेंगे तो पंचम वर्जित होगा आरोह में, ताकि पूरे स्वर मान लिए जाएं, सातों स्वर तब भी हैं, अवरोह में पंचम वर्जित नहीं होगा फिर। और अगर सारे गामा पधा निसा करते हैं तो पंचम वर्जित नहीं करेंगे। तो दो प्रकार के मत इस अलग अलग किताबों में मिलते हैं, कोई लोग इसको नी से शुरू करते हैं तो कोई सा से, किसी का ये मानना है कि हर राग सा से प्रारंभ तो होनी चाहिए, कोई सा भी राग हो सा तो सबसे पहले लगता है ना, तो ऐसे मत रखने वाले विद्वानों ने कहा कि सारे गामा पधा निसा से शुरुआत करें, जिसमें पंचम भी वर्जित नहीं होगा और इसकी जाति बनेगी संपूर्ण संपूर्ण, है ना। और जब ऐसे जाएंगे तो केवल संपूर्ण कहेंगे, नीरे गामा धानी साज अगर जाएंगे तो इस राग का नाम संपूर्ण जाति का राग कहा जाएगा। तो अलग अलग विद्वानों के मतानुसार रागों के बहुत सारे विशेषताएं, और जिसको जो समझ में आया, राग अनुभूति की चीज है, अनुभव की चीज है, ऐसा नहीं है कि ये रटने की विद्या है, ये एक मंत्र है, मंत्र को सिद्ध करना होगा। जब शाम का समय है यमन गाओगे तो दिया अपने आप जलना चाहिए, अग्नि देवता प्रकट होने चाहिए, इस तरह का मंत्र है राग यमन के स्वरों में। जब आप राग यमन के स्वरों को लगाएंगे शाम होते ही तो अग्नि देवता को प्रकट होना ही है, अगर बढ़िया स्वर लगाएंगे तो, तल्लीनता के साथ गाएंगे तो, तानसेन वाली स्थिति कर देंगे तो, गायकी में इतना गहरा उतर जाए तो, इसके ये प्रभाव है। दिया जलेगा, दिया जलने से रोशनी होगी,
रोशनी होने से आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आपका जीवन सुंदर बनेगा। और जैसे जैसे 3 घंटे इसको चाहिए सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के समय राग का प्रारंभ होता है, तो अंत में जाते जाते ये राग 3रे घंटे में श्रृंगार में बदल जाती है। अगर सूर्यास्त 7 बजे होते हैं तो 10 बजे के समय का समय एंड, फिर श्रृंगारिक रागों का समय आ जाता है। तो इस राग में जो आधा पार्ट है वो भक्ति का है प्रारंभिक पार्ट, और दूसरा पार्ट के जो समय है 1.5 घंटा लास्ट का वो श्रृंगार का है। तो हम यहाँ भक्ति रस, श्रृंगार रस, इनसे रिलेटेड प्रगति के सूचक, और अब हम सोने जा रहे हैं, सोते समय के गाने, लोरियाँ, निंदिया कैसे आएगी, ये सारे शब्दों के पर आधारित आपके विचार उठने चाहिए। इसी को ख्याल कहते हैं। ख्याल वो नहीं है जो किताब में लिखा है, वो तो किसी और का ख्याल है। आप अगर राग सीख रहे हैं तो आपके मन में राग की जानकारी करके और उसका ख्याल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये आपका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। आपके ख्याल से राग अलग होगी कुछ। आप जब यमन गाएंगे तो आपका ख्याल से देखा जाएगा कि आपने क्या सोचा। ठीक है जी, वो गाना है ना एक आज जाने की जिद ना कर, हाँ वो भी यमन में है, वो भी यमन में ही है। आज जाने की जिद ना करो, और यूं ही पहलू में बैठे रहो, रात हो गई है, शाम हो गई है, तो वो उसी समय की बातें हैं सब। तो आप देख लीजिए यमन से रिलेटेड जितने भी गीत उठा के देखेंगे उनमें यही विचार है जो मैंने अभी आपको वर्णन किए। ऑलरेडी लोग यही सोच के बनाते थे कि यमन में जो कुछ लिखा जाएगा वो ऐसा ही कुछ होगा जो ये वर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, है ना जी। और एक भी डाउट था कि ये यमन और यमन कल्याण ये दो अलग अलग है कि सेम है? वैसे तो मैंने कहा कि इस राग का नाम कल्याण ही है। यमन इसको मुस्लिम शासकों ने कहना शुरू किया, ठीक है। अब यमन और कल्याण जब हम दोनों मध्यम का प्रयोग कर लेते हैं तो एक नई राग का जन्म हो जाता है, उसका नाम है यमन कल्याण। जब हम दोनों माँ लगा देते हैं, आरोह में भी लगा के दिखाओ, कल्याण यमन और कल्याण दोनों मिक्स इसलिए हो जाते हैं कि कल्याण थाट का राग है, तो कल्याण थाट को कैसे गाएंगे दोनों माँ लगा के, और ये दोनों माँ उसी गाने में लगते हैं। जब दीप जले आने, जब दूसरा माँ भी लगेगा, ये दो माँ लग गए। आना यहाँ पे शुद्ध मध्यम का प्रयोग है, बाकी यमन ही है पूरा। दोनों माँ लगा दिए तो कल्याण थाट मिक्स हो करके यमन कल्याण कह दिया। जय हो। और किसी का सवाल है जी? जी कौन, नाम बताएं पहले सर, और स्क्रीन पर लाओ। कौन? मोहम्मद बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद नूर बोल रहे हैं। सर, जी सर, सुर में सर स्मोकिंग का क्या पड़ता है सर? स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या सर? बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। स्मोकिंग का लंग्स पर सीधा असर पड़ता है, और सांस का काम लेना लंग्स ही करते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ सर, मैं औरंगाबाद से हूँ, मैं आपके यूट्यूब के वीडियो देखता हूँ। जी एक बार नाम बताएं। अमोल कुलकर्णी सर। अमोल कुलकर्णी, ओके जी। हाँ सर, बताइए। तो सर मेरा ये कहना था कि जो आपने प्रहर बताए तो कितने प्रकार के प्रहर होते हैं? 8 प्रहर हैं, 4 प्रहर दिन के हैं, 4 प्रहर रात के हैं, 24 घंटे में। Okay, 3-3 घंटे के, जैसे सिनेमा हॉल में पहले पिक्चर चला करती थी 12 से 3, 3 से 6,
छः से नौ, नौ से बारह, तो अपना जो प्रहर का जो टाइमिंग शुरू होता है वो एक प्रहर तीन घंटे का माना गया है, सूर्य उदय से लेकर के आगे के जो तीन घंटे हैं उसको प्रथम प्रहर कहा जाएगा दिन का। फिर उसके बाद के तीन घंटे द्वितीय प्रहर, ऐसे तीन तीन घंटों में बांट लो सिनेमा हॉल के शो की तरह और रागों में उसमें डालते जाइए जी। और किसी का कोई सवाल? ये बातें शायद आपको मिल रही हैं जी। क्लास संडे, सैटरडे संडे क्या? हाँ, सैटरडे संडे हमारी यहाँ रेगुलर क्लास होती है वीक में दो दिन। आप अगर उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे तो आप ज्वाइन कर ही रखा है आपने यहाँ, तो मेरा सानिध्य आपको वीक में एक दिन मिल रहा है। और जो रेगुलर जो एक स्टेप बाय स्टेप सीखने का जो तरीका है कोई चीज़, तो वो उसके लिए हमारी सैटरडे संडे यहीं पर एफ आर पे क्लास होती है, तो आप एक्स्ट्रा ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं तो वो तो है, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल रही, लेकिन जब आप मेरी वाली पर्टिकुलर नाम लिख करके भेजेंगे कि पंडित अवध किशोर पांडे संगीत प्रभा वर्ल्ड से जो सिखाते हैं, एक सीरियल नंबर से बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, तो वहाँ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनको रिक्वेस्ट करिए एफ आर को, तो वो लोग आपको ज़रूर हम तक पहुँचा देंगे। हाँ सर, चलेगा सर। ठीक है जी, और बताएं कौन किसका रह जाएंगे? मोहम्मद नूर हो गए, अमोल हो गए, ये हैं, यही का क्या, यशिका, यशिका अरोड़ा जी। सर मैंने पूछना था, जैसे अपने राग यमन का बताया इसमें संवादी और वादी, अब जो भी राग जो भी गाना होगा इस राग तो उसमें भी यही संवादी और वादी? हाँ बिल्कुल यही होता है, जैसे जगजीत सिंह का वो सुना जो बहुत पॉपुलर है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, देखिए इसमें कान टिका हुआ था निषाद पे, गरे गरे करिए एक स्वर बताइए क्या क्या लग रहा है। नी, अब नी पे ज्यादा वजन आएगा, नी संवादी है हाँ? तो जरूरी है ये। देखिए गंधार पे भी वजन आया, निषाद पे भी वजन आया, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए कंपोजिशंस हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं, अब तो पता नहीं कौन कौन से गाने कहाँ कहाँ से काट पीट के एक लाइन बनाई जाती है, एक लाइन के अंदर आठ गानों की झलक आपको दिख जाएगी आजकल जो गाने बनते हैं। पहले जो गाने बना करते थे जो आज भी सदाबहार हैं, क्यों हैं? क्योंकि वो शुद्ध माल है, उसमें राग को बहुत मूड से प्रयोग किया जाता था, राग के आधार पर ही गीतों का चयन होता था या लिरिक्स का चयन होता था, या लिरिक्स को राग के आधार पर ताल के आधार पर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सीन बांध दिया जाता था, तब जाके वो शुद्धता आती थी, इसीलिए वो गाने आज भी अमर हैं। एक और है ख्वाब वाला कोई गाना है जगजीत सिंह का, ऐसे ही हाँ ये गजल सुनिए, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिटे, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, देखिए ये यमन में नहीं, ये अलग है, यमन है, ये भी यमन में ही है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और ख्याल आया कि नहीं? देखो मैंने कहा राग से ही ख्याल जन्म लेता है, जब राग जानोगे ख्याल उठेंगे, वही इन्होंने कह दिया इस गाने में कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप और तुम घना छाया, इतना ख्याल आ गया, मतलब एक रोमांस निकल पड़ा जी। और कौन बात करना चाह रहे हैं? होठों से छू लो तुम का जिक्र कर दिया है मैंने, जो गाना बहुत पॉपुलर किया गया है खास तौर से हमारी क्लासेस में,
जो सीखने वाले बच्चे जब क्लास में जाते हैं और राग यमन जब उनको सिखाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही वाला गाना सिखाया जाता है, होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो। यही गाने का उदाहरण दे करके बड़े बड़े कलाकारों ने अपना एक जीवन निकाला है, इस गाने को लोगों को सिखा सिखा के बच्चों को खूब फीसें वसूली हैं। तो फिल्मी गानों का बहुत लोगों ने प्रयोग करके गुरुओं ने शिष्यों से खूब फीसें ली हैं और आज भी ले रहे हैं। शास्त्रीय, शास्त्रीयता क्या है, उसको कैसे समझें? मैंने कहा संगीत और साहित्य और कला, ये तीनों चीज़ों का जब तक मिश्रण नहीं होगा, फर्स्ट क्लास में बोला था, तब तक वो व्यक्ति इस लाइन में सफल नहीं है। आपको साहित्य का, आपको शास्त्र का, आपको विज्ञान का, हर तरह का आपको ज्ञान होना चाहिए। अभी मान लो आपको कह दिया जाए कि वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति चल रही है उस पर आपको कुछ लिखना है, लिरिक्स देना है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना। न्यूज़ देखने वाले होंगे तो समझेंगे ना कि अभी पॉलिटिकल कोई सटायर आपको लिखना है, हाँ, पॉलिटिकल सटायर पर कोई सॉन्ग लिखिए, तो आपको पता है कि क्या चल रहा। अभी खूब आ रहे हैं, रामलला को लाए हैं, हम उनको लेकर आएंगे, और उधर अखिलेश भैया आ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे गाने बना रहे हैं लोग। तो ये गाने कहाँ से आ रहे हैं? ये थॉट पैदा हो रहे हैं हमारी निजी ज़िंदगी से। तो अब राजनीतिक देख लिया, क्रिकेट का देख लो, खेल वाले गाने भी आ गए। देशभक्ति की बात करें तो देशभक्ति जज्बा शुद्ध स्वरों का लगना चाहिए। तो इस तरह से रागों से ही ख्यालों का जन्म होता है, इसलिए हमने शुरू में टॉपिक का नाम दिया कि राग से ख्याल तक। अब हम इसी विषय पर आगे से आगे रागें और उनके ख्याल आपको गिनाते रहेंगे कि देखिए कैसे कैसे ख्याल इसमें उत्पन्न होते हैं। तो आप भी राग को सोचें और एक नया ख्याल पैदा करें। मेरा संदेश यह है आप सबको कि राग को एक विषय की तरह उसको अच्छी तरह से सोचें और उसको समझें, महसूस करें, उसके भावों पर जाएं, उसके रस, उसमें अलंकार, उसमें छंद क्या है, ये सब बातें आपको जाननी है, उसके बाद आप एक सॉन्ग राइटर और कंपोजर बनेंगे। जी अंजलि कुछ कहना चाहती है? नहीं सर। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मैं थोड़ा लेट कर रही हूं, कुछ कर रही थी इससे नहीं कर पाई। क्या नहीं कर पाए? अच्छा पहले लेट जॉइन हुए। देखना चांद पे ले जाए कंपोजिशन, एक बार सुनाओ, तुम गाना सुनाओ। नहीं ये यमन में नहीं है। वैसे चांद तारों की बातें हैं तो ये निश्चित है कि शाम का ही राग है, है ना? जब चांद तारों की बातें होंगी तो निश्चित रूप से यमन में कंपोज किया जा सकता था, लेकिन यमन के अलावा इस टाइम की और भी रागें हैं, जैसा कि मैंने कहा कि उस कल्याण थाट से उत्पन्न होने वाली शुद्ध कल्याण और भी कई प्रकार के रागें हैं, है? तो विहाग है। इन सब रागों पर हम चर्चा करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा गाना देखो किस तरह से थॉट्स मिलते हैं, यानी ख्याल राग में से ही ख्याल निकला है और उसी ख्याल के अनुसार उस गीत का जन्म हुआ है। यही होता था पहले, जिस राग का जैसा भाव है वैसे ही गीत उसमें मिलेंगे। हाँ जी जी सर, जैसे ये बताया गया कि राग बंधन जो संपूर्ण संपूर्ण छत्तर राग दोनों संपूर्ण है ना। मैं इसका क्या क्या पूछ रहे हैं फिर से एक बार। जैसे ये बताया कि किस यमन का जाति संपूर्ण संपूर्ण। जी 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 संपूर्ण जाति। हाँ। तो जैसे आरो में भी सात स्वर लगेंगे, औरों में भी लगेंगे। हाँ हाँ सातों स्वरों का प्रयोग हो रहा है। अगर पंचम वर्जित कर रहे हैं ना तो नी से शुरू कर देते हैं मंत्र सप्तक से, नी रे गा मा दा नी सा ऐसे जाएगा, और सानी धापा मगर ऐसा फिर सीधा आ जाएगा, तो भी साथ ही हो गए। इधर से जाओ तो भी साथ, उधर से जाओ तो भी सातों स्वरों का प्रयोग करना, इसलिए जाति संपूर्ण।
और संपूर्ण होने के नाते संपूर्ण चीज़ें इसमें आनी चाहिए, संपूर्णता का जिक्र इसमें होना चाहिए। जब इसका कोई ख्याल आपके अंदर से जन्म लेता है तो जहाँ पूर्ण हो जाने की बात की जा रही हो, इस तरह की बातें अगर हम लिखें, चांद तारों की बातें लिखें, तो हमें इस राग का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, और कोई कुछ पूछना चाहे? हाँ, पंचम को विभाजित किया गया है। हाँ हाँ, आरोह में विभाजित किया गया है जी जी, आरोह है। हाँ। और ये सात शुरू में भी है और एक ये मास से आगे भी है। हाँ, ऊपर वाला भी निषाद पावरफुल है। निषाद जहाँ भी होगा पावरफुल होगा, क्योंकि निषाद ही संवाद करता है जी। तो इसको यानी सातवें स्वर यानी संपूर्ण ही बोलेंगे ना? जी बिल्कुल, संपूर्ण ही बोलेंगे जी जी। ठीक है, और कोई? हाँ जी, अश्विन जी आप। हाँ अश्विन, तो जल्दी एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ अश्विन का सवाल ले लेते हैं। अश्विन जी हेलो जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपसे एक क्वेश्चन था कि सर एक गाना है, थोड़ा मीडियम गाना सर, मोह मोह के धागे। ठीक है सर, तो उसका जब हम निकाल रहे थे, नोट्स निकाल रहे थे सर, तो उसमें एक शुद्ध मध्यम भी लग रहा था। ठीक है सर, तो आपसे जानना था कि वो कल्याण जाग रहे सर, उसको यमन और कल्याण दोनों ही शब्द प्रयोग कर लो, यमन कल्याण। अच्छा हाँ सर, ठीक है। हाँ जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब दीप जले आना, उसमें भी दोनों ही मध्यम का प्रयोग है, तो वो यमन कल्याण है। और जब दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, शुद्ध कल्याण यमन और कई प्रकार के कल्याण ताट उसमें बनते हैं, वो अलग अलग लोगों के मतानुसार, अलग अलग विद्वानों ने किस ढंग से किस राग को देखा और उसका क्या नाम रखा, ये हमारे पूर्वजों की देन है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ख्याल भी पूर्वजों की देन है, जो किताब में लिखें हम वही ख्याल गाते आ रहे हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि राग को समझो और उसके अनुसार ख्याल तुम खुद पैदा करो, है ना। तो जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं उनमें कुछ परिवर्तन आना चाहिए, हम प्रयोग करें। आप क्यों नहीं ख्याल उपजा सकते हैं, आप भी राइटर बन सकते हैं, आप भी यमन में कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। बहुतों ने किए हैं, लोगों ने दोनों मध्यम लगा करके यमन के कई प्रकार बना दिए, दोनों मौ का प्रयोग करके। आप गंधार भी बदल लो, थोड़ा सा करके देखो, दोनों ग लगा दो, दोनों मौ लगा दो, क्या बन जाता है। तो ऐसे लोग और चलन यमन का ही रहने दो, या दोनों निषाद का प्रयोग कर लो, चलन यमन का ही होना चाहिए, लगना यही चाहिए कि यमन है, हल्का सा कहीं टेढ़ा मिश्र कर दिया। ये विद्वान लोग प्रयोग करते रहे हैं और आज भी कलाकार लोग रागों में छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो गुणीजन हो जाते हैं, जो सीख जाते हैं बहुत बढ़िया, तो वो एक दूसरे में देखते हैं कि रागों में छाया है, किसी राग में किसी दूसरी राग की छाया देखने को मिलती है। तो वो छाया मिश्रण करना, उससे और ज़्यादा मधुरता उत्पन्न होती है। जब हम किसी राग को बिल्कुल शुद्ध रूप से गाते हैं तो मधुर तो होती ही है वो, लेकिन जब उसमें हम कभी कभी कलाकारों की कलाकारी यानी विवादी स्वर, जो स्वर उसमें विवाद उत्पन्न कर सके, ऐसा अगर हम लगा देते हैं, जैसे कोमल निषाद राग यमन में बिल्कुल विवाद कर देगा। राग यमन में अगर हम कल को आरोह अवरोह में कहीं भी कोमल निषाद का प्रयोग कर लें तो ये विवाद का विषय हो जाएगा, क्योंकि सब लोग कहेंगे नहीं ऐसा तो होता ही नहीं, पर हम कहेंगे क्या है, मैं ऑथेंटिक पर्सन, मैंने बदला है। ये पंडित अवध किशोर पांडे के द्वारा रचा गया राग का एक प्रकार है, 20 साल बाद मेरे मर जाने के बाद किताब में लिख के आ जाएगा, आपको मानना पड़ेगा कि ये नया राग, ये एक नए राग का प्रकार है। ऐसा ही होता है यार, संगीत के साथ यही होता है और यही होता है। हाँ, बिलावल से अलैया बिलावल और कई प्रकार के बिलावल, बिलावल में शुद्धता से गाए नहीं गए स्वर, जब पूरी शुद्धता नहीं रख पाए विद्वान लोग, मजा नहीं आ रहा था, खड़े खड़े स्वर लग रहे, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत, उसमें भी तीव्र मा का प्रयोग कर लिया थोड़ा सा, जबकि सारे शुद्ध स्वर।
एक जगह उसमें भी तीव्र मध्यम का प्रयोग आता है, तो शुद्धता से तो बिलावल को गा ही नहीं पाए, तभी वो अलैया बिलावल का जन्म हो गया, स्वर ही नहीं लगा, वो बैठा ही नहीं, दिमाग से कंपोजिशन ही नहीं निकली वैसी, कि आरोह में और अवरोह में दोनों में निषाद को शुद्ध रखें, तो ये नहीं रख पाए लोग जब, तो अलैया बिलावल का जन्म हो गया। ऐसे ही आपसे जो हो जाए वो आपका राग है, लेकिन राग में कुछ आपके पास तर्क होना चाहिए देने के लिए कि हाँ अगर मैंने इसमें कोमल निषाद का प्रयोग किया है तो वो अंग वो स्वरूप कहीं ऐसा ना लग जाए कि बदल गया है, कि राग यमन नहीं रही, अब ये दूसरी राग की छाया आ गई, ऐसा प्रयोग में ना आ जाए। तो ये कुशल जो गायक हैं, कुशल विद्वान जो कलाकार हो गए हैं, ये उनके काम है, आप लोग भी उसी श्रेणी में हैं और फ्रंट रो पे तो हैं ही, सबसे आगे वाली लाइन में विद्वान बनने जा रहे हैं आप लोग। जय हो।